साथियों, यू अग्री विद दैट? शुरुआत करें साथियों। हमारे बीच में राहुल गांधी जी आ चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, हमारे संगठन के प्रभारी श्री केसी वेणुगोपाल जी हैं और हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री अजय माकन जी हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, आप बैठ जाइए पीछे प्लीज। ऑडियो राहुल जी क्या है जी? जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल्ली में और हर एक राज्य में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया है कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। बढ़ती हुई महंगाई, चिंताजनक बेरोजगारी और मूर्खतापूर्ण लगाई हुई जीएसटी, इसके बारे में राहुल गांधी जी आपके साथ बात करेंगे। राहुल गांधी जी नमस्कार। हाउ आर यू enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको, क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। इन इंग्लिश लुक, व्हाट वी आर विटनेसिंग is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it, the whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. एक मिनट, अशोक जी कुछ बोलेंगे। राहुल जी ने जो कहा उसका आप समझ रहे हैं कि देश में क्या हालात हैं, किसी ने हमने कल्पना नहीं की थी कि कभी ही वक्त भी आएगा जब डेमोक्रेसी समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा लोगों को। जिस रूप में धज्जियाँ उड़ रही है संविधान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अगर पहली बार हो रहा है, आज अगर विधानसभा चलती है तब भी हम लोग डीएलओ की मीटिंग नहीं कर पाते जिले के अंदर, कि विधायकगण, माननीय विधायकगण असेंबली बिजी है। और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को,
पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो, इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर, रात को 2 बजे 2:30 बजे आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालते पुलिस पर, पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही, विपक्षी पार्टी कर रही है, जहाँ जिनको सूट करे वो साथ दे, वरना खुद के जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, उनको भी कोई कोई तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो ये आह्वान किया गया है पूरे देश भर के अंदर, लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई है, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है युवाओं के अंदर, जीएसटी का जो नए कारनामे हो रहे हैं रोज के रोज वो आप देख रहे हो, तो समय आ गया कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती, जनता आगे आ रही है, उसी प्रकार से मीडिया के मालिकों के ऊपर जो दबाव है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उसको उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेरल्ड भी अखबार है वो, जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है, दिमाग में रखे बात को। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है, बोलना चाहिए उसको, राहुल ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, हिम्मत अब नहीं दिखाएंगे। तो एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, जो आपके मेरी बातें कहने मेरे पास बहुत सारी, पर राहुल जी बैठे हैं तो मैं खाली एक बात आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो मार्टिन लिनोमर ने कहा था जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही हुई थी और विपक्षी बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार अल्पसंख्यक को निशाने पर लेने लगे, बाकी जनता चुप रही, सोचती रही राजनीतिक लड़ाई है। 45 में जब जर्मनी हिटलर की तानाशाही छनने के कारण पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, वहाँ के लोगों को बहुत पछताना पड़ा। अगर समय रहते हुए लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जाती तो शायद देश बर्बाद नहीं होता। बाकी तो आगे बातें कहने को बहुत सारी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, कहने का मतलब आज अगर चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ़ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। एक बात कह के मैं फिर बात खत्म करता हूँ, पंडित नेहरू और जो जमाना था उस जमाने का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी को और इनके आरएसएस के इनके आकाओं को। राष्ट्र ध्वज जो है, एक पैरा पटके में बात समाप्त करूँगा, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है, पंडित नेहरू कह रहे हैं, अभी मैंने फहराया है 29 के अंदर, मतलब पहली बार मैंने फहराया था। इस झंडे का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है, ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है, एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है, पंडित नेहरू कह रहे हैं। आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झदक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आप हम नीचे आज आप आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, यह एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी हैं।
जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जब तक अब जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं देश को, किस दिशा में लेना चाहते हो, धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। जैसे मैंने पहले कहा जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, तीन राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है, इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। दिस इज जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आज महंगाई है। तो देखिए रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड, हिंदुस्तान की सरकार कह रही है, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे
वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं, पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. Jitna main sachai bolunga, utna mere upar akraman hoga. Meri problem ye hai ki main sachai bolta hu, main darta nahi hu. To main apna kaam karunga. लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे, यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है, ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए उससे डरते हैं, महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं, 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं, डर किस चीज से डरना, डर नहीं। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं। तो जितना भी मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे मुझे फायदा होता है। I get great joy when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो ideas हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। मुझे battlefield जो है, वो और समझ आती है। लड़ाई क्यों हो रही है, मुझे वो समझ आता है। और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पर हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की,
और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर एंड देर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस, यू विल सी दे आर गोइंग टू बी डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट जस्ट गोइंग टू कीप क्वाइट। किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से इतनी क्वेश्चनिंग कर ली इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ है। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऑल यू वांट, क्वेश्चन ऑल यू वांट, राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग देयर, एवरीबॉडी नोज इट, सो क्वेश्चन ऑल यू वांट। माय जॉब इज टू रेजिस्ट द आइडिया ऑफ द आरएसएस, दैट्स माय जॉब एंड आई एम गोइंग टू डू इट। द मोर आई डू इट, the more I will be attacked, the harder I will be attacked. I am happy. Attack me. Haan Ranjita. Rahul ji, aapne kaha aap har tarah ke attack ke liye taiyar hain. Abhi hum jab voting kar rahe the to aapke karyakarta aapse ek baat kar rahe hain ki aap ek baar phir rashtriya adhyaksh ki kursi par aa jaye. Dekhiye ye press conference aap distract karne ki koshish mat kijiye. Theek hai, seedhi si baat hai. Ye press conference mehngai, berozgari aur desh mein jo aaj halat hai uske bare mein hai. तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से लड़ूंगा, क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका आपको? मैंने आपको बोला डर नहीं है। सर, अगर आप क्या डरा रहे हैं तो वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, एक व्यक्ति सवाल पूछेंगे प्लीज। नहीं देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये एक परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। मैं गुजारिश करूंगा एक एक करके सवाल पूछिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे, और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सामिया, we have been asking for a discussion on price rise, no discussion was allowed, practically no discussion is allowed in parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in parliament. Right? One second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. कहती है कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अच्छा।
अच्छा तरीका होता है जब जनता तय करती है वो किसकी। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। चुनाव हम जीत रहे थे। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे, उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। यू सी, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट Sunil, please refer to the earlier answer. I will please refer to that one. It is there. You can look at the video. First round में सबको मौका देना। You can look at the video nicely and it's all there. I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. If she had understanding, we would not be in the situation we're in, right? The entire job creation system of India has been destroyed. Small and medium businesses have been wiped out. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster, right? We have the highest unemployment in the country, price rise across the board, and the finance minister is saying there is no problem. Fine. Please refer to my earlier answer, which I had just given about the importance of debate and how we are not allowed to debate in Parliament. अब देखेंगे हम, हमारा काम विपक्ष का काम है। एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, तीसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, लास्ट टू क्वेश्चन आखिर में एक मिनट छोड़िए, रुक जाइए प्लीज। राहुल, आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? मैंने आपसे कहा आप जो भी करना चाहते हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। It does not make me any difference. You have to understand this. You have to understand the culture I come from. It does not make me any difference. I will be the happiest person. इन्होंने कहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर सीमित है, और इसी पर अगर आपको सवाल है तो पूछिए। जी राहुल, आपने जिक्र किया कि विपक्ष की जो मजबूती होती है वो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। हमने अभी देखा कि पीएमएलए को लेकर जिस तरह से लगातार आप भी हमलावर हैं, पीएमएलए के जो प्रावधान थे उसके खिलाफ 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब विपक्ष के नेताओं पर और ज्यादा सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में है, सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं,
ऑपोजिशन के का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है। साथियों एक मिनट, साथियों जैसा कि आप जानते हैं अभी 24 नंबर अकबर रोड से प्रधानमंत्री निवास तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। 11:30 बजे को पार्लियामेंट से राइजीना हिल तक एक प्रदर्शन होगा। ये आज का कार्यक्रम है। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बैठकर आपके सवालों का जवाब देते हैं, दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो 8 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस भेंट नहीं की है। एक तरफ एक व्यक्ति हैं जो बिना कोई कागज के आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी हैं। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। और जब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो राहुल जी ने अभी कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। सबसे मुख्य बात जो राहुल जी ने कही मेरे विचार में, उन्होंने ये कहा जो धमकी देते हैं वो डरते हैं, जो राजनीतिक प्रतिशोध में विश्वास रखते हैं वो डरे हुए हैं, और जो लोगों को डराते हैं और जो चर्चा से भागते हैं, जनता के मुद्दों से भागते हैं वो डरे हुए हैं। ये उनका मुख्य संदेश है। शुक्रिया। एक बार मुझे कहनी है कि आपने जो कहा कि राहुल गांधी गांधी फैमिली जो है 32 साल से ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री ना कोई पद पे रही है, तो मोदी जी क्यों डरते हैं, इसका जवाब दें।